नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जानराय टोरिया मंदिर के कैंपस में अश्लील डांस करने वाली आरती साहू को महंगा पड़ गया है। आखिर कौन है ये आरती साहू, चलिए बताते हैं आपको। आरती साहू इंस्टाग्राम मॉडल है। उनके इंस्टा पर 25 लाख से भी अधिक फॉलोवर्स हैं। 4900 तस्वीरें व वीडियोस अपलोड की हैं। उनके यूट्यूब पर भी 21,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वहां भी लाखों लोगों ने उनके वीडियोस देखे हैं। आरती साहू के अश्लील डांस को लेकर हिंदूवादी संगठन की शिकायत पर उसके खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है। आरती साहू ने जान राय टोरिया मंदिर फिल्मी गाने पर डांस कर वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही बवाल मच गया था। हिंदूवादी संगठन ने आरती के खिलाफ शिकायत की थी। युवती की इस हरकत पर जान राय टोरिया मंदिर के महंत ने नाराजगी भी दिखी थी। हालांकि बवाल मचने पर आरती ने अपना वीडियो सोशल मीडिया से हटा लिया था और अपनी इस हरकत पर माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन हिंदूवादी संगठन उसे माफ़ नहीं किया था और थाने तक मामला ले गए थे। छतरपुर में आरती साहू ने मंदिर परिसर में सेकेंड हैंड जवानी सहित कई अलग अलग गानों पर डांस करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की थी। वीडियो सामने आने के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया था। हिंदूवादी संगठनों ने इसे अश्लील डांस करार दे दिया, तो वहीं इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी आपत्ति दर्ज कराना शुरू कर दिया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस अश्लील डांस की हम शिकायत करेंगे। हिंदू संगठनों ने कहा था कि चंद रुपयों और सस्ती लोकप्रियता के लिए ये हरकत की गई है। हालांकि मंदिर में चप्पल पहनकर डांस करने वाली आरती साहू का कहना है कि वीडियो में जरा भी फूहड़ता नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सभ्यता से पूरी ड्रेस में थी और उन्होंने जो भी किया उसमें कुछ भी अश्लील नहीं है। इंस्टाग्राम पर एक आरती साहू नाम की महिला द्वारा कुछ हमारे वीडियो डालने संबंधी शिकायत की थी, जिसमें वो महिला मंदिर के सामने नृत्य कर रही थी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज की गई कोतवाली थाने में। मंदिर के सामने अमर्यादित तरीके से डांस कर रही थी, इसके देखते हुए 298 IPC का FIR दर्ज की गई है। मेरा उस वीडियो को लेकर यही कहना है कि मुझसे गलती हुई है। मेरी किसी भी वीडियो का इंटेंशन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर मेरी किसी भी वीडियो की वजह से किसी की राजनीतिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं फिर से माफ़ी मांगती हूं। और आपके चैनल के थ्रू मैं बस यही कहना चाहती हूं कि मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत सी अच्छी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। मैं NCC कैडेट हूं और मैंने बहुत सी भजन वाली वीडियोज़ और बहुत सी ऐसी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं जिस धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ, उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ कह रखा है। तो अगर आपने बुरा पक्ष देखा है तो एक बार जाके मेरे अकाउंट पे, मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ आप लोग अच्छा सपोर्ट करते हो, बट मेरी किसी भी वीडियो का इंटेंशन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी की इंसल्ट करने का मकसद है, ना ही मेरी किसी वीडियो का इंटेंशन किसी की राजनीतिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। अगर मेरी किसी भी वीडियो की वजह से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो कृपया करके मुझे माफ कर दीजिएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।